हेलो गाइस, स्वागत है आपका द पावर टेक्निकल चैनल में। मैं आज आपको डिश स्मार्ट हब की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, और जैसे कि यह सट्टा बॉक्स अपग्रेड कौन कौन से बॉक्सों में होता है वो भी मैं आपको, ये जो बॉक्स मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जैसे कि सबसे ऊपर देख रहे हैं डिश एनएचटी में छोटा मॉडल आएगा 5004, और इसी में बड़ा मॉडल आता है D7000 मॉडल, ठीक है। उसके बाद में आता है डिश प्लस, उसके बाद में डिश एचडी प्लस, उसके बाद में एक बॉक्स और होता है जो काफ़ी बड़ा होता है, वो भी आप इस बॉक्स के साथ अपग्रेड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपये में, ठीक है जी। ये हो गया अपग्रेड के लिए, ये बॉक्स के साथ में आप चाहे HD हो नॉर्मल हो इसके साथ में आप अपग्रेड कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपये में। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके देखते हैं, अनबॉक्सिंग में क्या क्या, इसका लुक कैसा लगता है और इस बॉक्स में क्या खास फीचर है। सबसे पहले आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें डिश स्मार्ट हब में ये लोग सबसे अंडरलाइन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा कुछ इन्होंने इसी पे दे दिया है, जो भी इस बॉक्स के अंदर क्या क्या खास फीचर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देख रहे हैं आप 5000 प्लस एप्लीकेशंस हैं इस बॉक्स के अंदर, 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, कोई भी एप्लीकेशंस आप उनमें से डाउनलोड करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अमेज़ॉन प्राइम भी आप यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब तो आपका चलेगा, वॉचो चलेगा, G5 और सोनी लिव हैगा, और बाकी ऐसे कुछ फेमस एप्लीकेशंस हैं बूट, जैसे MX प्लेयर, गाना, वॉचो, अल्ट वाला जी, ये एप्लीकेशंस इसमें काम करते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं अपना गूगल असिस्टेंस इसमें काम करता है। जैसे कि आप इस रिमोट में देख रहे हैं, इसको बटन को प्रेस करके आप जो भी कुछ भी मतलब कि सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो वो सारा कुछ इस पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिमोट है ब्लूटूथ फ्रिक्वेंसी का हैगा, जैसे इसको ज़्यादा सेटअप बॉक्स के सामने दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसमें क्या क्या निकलने वाला है वो आपको इसके सेटअप बॉक्स के पीछे कॉन्टेंट में आप देख रहे हैं। जैसे कि एक तो यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे हैं HTV एक निकलेगा, एक बॉक्स HTV का, मतलब एक सेटअप बॉक्स है इसके अंदर, ब्लूटूथ कंट्रोल रिमोट है, पावर अडप्टर है, HDMI केबल निकलेगी इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद में बैटरी सेल्स AAA दो सेल निकलेंगे, यूज़र मैनुअल निकलेगा जो कि आपके काम आता है, जैसे कि कभी आप फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं या आपका और भी कई तरीके में काम आता है यूज़र मैनुअल। और उसके बाद में जैसे कि आपके घर पे सेटअप बॉक्स लग गए हैं, लेकिन आपके जैसे नॉर्मल TV है या जैसे कि LCD हैगा, LED में तो काम करेगा ही करेगा, नॉर्मल TV में भी काम करेगा, छोटा TV हो, बड़ा TV हो, किसी भी तरीके का TV हो, सब में ये स्मार्ट हब एंड्रॉयड अपना सेटअप बॉक्स काम करेगा, ऑल इन वन सेटअप बॉक्स है ऑल इन वन TV के लिए, ठीक है जी। तो फटाफट से मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, बाकी तो आप इसके बारे में समझ ही गए होंगे किस किस में काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं यूज़र मैनुअल के बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको सेटअप बॉक्स के स्टार्टिंग में बताया था, वही सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने फीचर दे रखे हैं, कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हुई है, जैसे कि प्ले स्टोर इस बॉक्स के अंदर हैगा। उसके बाद में क्रोमकास्ट, जैसे अपने फ़ोन की स्क्रीन को आप अपने TV स्क्रीन पे चला सकते हैं, फ़ोन में आपके जो भी यूज़ करते हैं हम तो अपने TV स्क्रीन पे चला सकते हैं ये क्रोमकास्ट की मदद से। उसके बाद में आ जाओ ब्लूटूथ हमारे ये काम आता है, जैसे कि आपके घर पे ब्लूटूथ स्पीकर पड़े हुए हैं, बड़े साउंड पड़े हुए हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये सेटअप बॉक्स आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, जो भी TV में साउंड आने वाला होगा वो आपके होम थिएटर या जो भी साउंड है उसमें कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसमें सारा साउंड आने लगेगा। उसके बाद में मैं इसमें और भी बताता हूँ, जैसे ये सेटअप बॉक्स का फ्रंट पैनल देख रहे हैं, इसमें कुछ डिश के बॉक्स के सामने डिश स्मार्ट हब की मार्क का आएगा, उसके बाद में एक USB जैक आएगा आगे सेटअप बॉक्स के आगे। उसके बाद में जैसे कि पीछे देख रहे हैं आप, ये सारे केबल की कनेक्टिविटी के बारे में बताता है, ये 12 वोल्ट का जैक लगेगा यहाँ पे, USB कनेक्ट होगी, PDF कनेक्ट हो गया, HDMI हाई डेफिनेशन की, जैसे आपके पास LED वगैरह लगी है तो ये HDMI का पॉइंट हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मतलब क्लियरिटी में कर देता है, तो वो पॉइंट हो गया। एथरनेट केबल हो गया, AB आउट जैसे कि अपना नॉर्मल TV चलाने के लिए छोटा डब्बे वाला TV जो भी TV हो वो इस वाले बटन से काम करेगा, ठीक है। बटन नहीं है इसमें, जैक लगेगा और 3 केबल आपके TV में लग जाएगी। उसके बाद में RJ6 केबल के अटैचमेंट होती है इससे, ठीक है जी। तो ये जो डेमो, अगर जैसे कि आपके रिमोट का डेमो ये लोग जैसे कि लड़का बताता है लेकिन आप भूल जाते हो, तो हर की के बारे में ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल नंबर डाउन, ये कैसे क्या फॉरवर्डिंग, जैसे रिकॉर्डिंग करते हो तो फास्ट स्लो फॉरवर्ड करने के लिए, तो ये सारा कुछ रिमोट को देख के आप समझ जाओगे कि किस बटन से क्या होने वाला है, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जैसे कि हमारा आ गया LED TV, उसके बाद में आ गया सेटअप बॉक्स, ठीक है जी। हमारे HDMI से हमारी LED या जिस भी TV में HDMI का ऑप्शन दिया हो तो उससे हाई डेफिनेशन में कनेक्ट हो जाएगा और आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी। उसके बाद में आ जाते हैं हम नॉर्मल TV पे, जैसे कि अगर हमारे पास नॉर्मल TV है और 3 केबल से हम चलाना चाहते हैं अपने TV को,
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी आउट का जैक दिया हुआ है ऑक्स केबल का, उसके बाद में तीन केबल है कलर बाई कलर अपने टी वी में लग जाएगी। तो नॉर्मल टी वी को भी ये हाई डेफिनेशन में एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर देगा, आप अपनी टी वी पर एंड्रॉयड वगैरह मतलब कि जो भी है यूट्यूब वगैरह चला पाएंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से यूज़र मैनुअल है ये। सबसे मैं पीछे की तरफ बात करता हूँ, इन्होंने कॉन्टैक्ट के बारे में दिया है। अगर ये सेटअप बॉक्स को आप बुक करवाना चाहते हो, पूरा सेटअप बुक करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कॉल करके 9501795017 पे कॉल करके आप सेटअप बॉक्स को पूरा बुक कर सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड करना है, जैसे कि कोई भी अपने सेटअप बॉक्स, अगर आप डिश टीवी का सेटअप बॉक्स कोई भी पढ़ाओ, पुराने से पुराना पढ़ाओ, उसके साथ में अपग्रेड करवाना चाहते हो, तो इस नंबर पर कॉल करें। और पुराना नंबर है जो पुराने वाला सेटअप बॉक्स है उसका जो बी सी नंबर होता है वो बताएंगे, और उसमें जो नाम अटैच है वो नाम बताएंगे, और कहेंगे हमारे को स्मार्ट हब सेटअप बॉक्स का अपग्रेड चाहिए, तो वह अपग्रेड की कंप्लेंट लॉगिन कर लेंगे। जैसे कि कई तरीके हैं इसमें अपग्रेड करने के, इसमें कस्टमर केयर की जो वेबसाइट है जीमेल करके करवा सकते हैं, वेबसाइट से करवा सकते हैं, और कॉल मी बैक भी ले सकते हैं। अगर आपका नंबर नहीं लगता है तो रजिस्टर मोबाइल नंबर से आप इसमें कॉल मी लिखेंगे और 5757 पे कॉल करेंगे, तो डिश टीवी आपके लिए कॉल बैक कर देंगे। ठीक है जी। ट्रेडमार्क एंड लाइसेंस HDMI और ये USB डॉल्बी जो लिखा है, USB जैक, वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और एंड्रॉयड TV, YouTube किड्स और गूगल प्ले स्टोर। ठीक है जी, ये सारी कुछ इसमें अवेलेबल है। तो उसके बाद हम फटाफट से देखते हैं अपने ये जो स्मार्ट हब का सेटअप बॉक्स है, इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं। ये भी यूजर मैनुअल है, थोड़ा स्टेप बाई स्टेप इसमें समझाते हैं कि कनेक्टिविटी कैसे होनी है। तो गाइस ये आपके काम आने वाली हैं कुछ दिनों के लिए, जब आप सीख जाओगे और आप एकदम फुल मतलब ट्रेंड हो जाओगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने सेटअप बॉक्स की लुक, कि सेटअप बॉक्स की लुक आपको कैसे लगते हैं। तो जैसे कि आप उसमें देख रहे थे, तो सेटअप बॉक्स की डिश टीवी की जो स्मार्ट हब की मार्किंग है सबसे आगे वो आते हैं, उसके बाद में USB जैक आते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे डबल जैक पॉइंट देते हैं, एक तो आगे की तरफ हो गया और एक हमारे पीछे की साइड हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद में यहाँ पे बैक पैनल में ये पावर अडाप्टर लग जाता है, PDF लग जाता है, उसके बाद में HDMI हाई डेफिनेशन करने के लग जाता है, उसके बाद में आप देख रहे हैं अर्थनेट केबल, AB आउट काम में आपको पता है नॉर्मल टीवी को एंड्रॉयड में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ये हो गया हमारा RG6 से कनेक्टिविटी करने के लिए। ठीक है जी, तो सेटअप बॉक्स की लुक आप देख सकते हैं अपना, अगर कोई ग्लास पे रखते हैं तो किस तरीके का आपको लग रहा है या कैसा लगेगा ये नॉर्मली सेटअप बॉक्सों से। ये अगर आपके यूज़ कर रहे हैं तो इनको हटा के आप ये सेटअप बॉक्स लगा सकते हैं, ये रिप्लेस करके ले जाएंगे और ये 2499 में बुक हो जाएगा आपका स्मार्ट हब सेटअप बॉक्स। ठीक है जी, और इसमें क्या क्या निकलता है तो फटाफट से देखते हैं। हमारी रिमोट की फर्स्ट लुक, पतला सा रिमोट होता है ब्लूटूथ फ्रिक्वेंसी का, तो ये कुछ रिमोट है इस तरीके का है। इसमें जो जैसे कि कोई चैनल नंबर आपको याद होता है, डायरेक्ट चैनल नंबर लगा सकते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, वॉचो पे जा सकते हैं डायरेक्ट, और गूगल असिस्टेंट से इसको प्रेस करने के बाद आप बोलते हैं हेलो गूगल, या जो भी वेदर कंडीशन पूछना चाहते हो या कुछ भी एक्सपायर्ड, जैसे अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं वैसे आप इसे चला सकते हैं। ठीक है जी, तो चैनल अप डाउन वॉल्यूम प्लस माइनस ऐसे कुछ इस तरीके से चलेगा। तो वैसे ये रिमोट को भी मैं साइड में रखता हूँ। ये HDMI केबल की देखो लुक देख लो, तो ये मैं थोड़ा मोटी केबल है। तो गाइस जो भी अगर आपके यहाँ पे एंड्रॉयड अपग्रेड करने जाता है तो पतली केबल या ऑलरेडी आपके घर पे चल रहे हो उस केबल से कनेक्ट नहीं करना है, ये केबल जेन्युइन केबल होती है और आपके सेटअप बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी केबल होती है। ये हाई स्पीड केबल है, नॉर्मल केबल एक तो हमारे HD सेटअप बॉक्स में लगी होती है, ये हाई स्पीड केबल है, तो ये वाली केबल आपको लेनी है। ठीक है जी, अगर आपका नॉर्मल TV है तो कोई सी भी केबल ले दे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद में आता है हमारा ये अडाप्टर, जैसे कि अपने सेटअप बॉक्स के पीछे उसमें कंटेंट में देख रहे थे क्या क्या निकलता है, 12 वोल्ट का अडाप्टर निकलेगा इसमें, चूँकि 12 वाट का अडाप्टर है। ठीक है जी, दो बैटरी सेल, तो वही देख सकते हैं सारा कुछ तो सेट आप देख चुके हैं। उसके बाद में स्मार्ट हब की अनबॉक्सिंग भी आप देख लिए आपने, और आपने अगर इसमें से कौन सा सेटअप बॉक्स चाहिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है जी गाइस, वीडियो फिलहाल भी इतने हैं, और वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कनेक्टिविटी के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव टू एच में टेक्नीशियन हूँ, तो गाइस हिचकिचाना नहीं है आपने बिल्कुल भी, कोई भी कमेंट करने से पहले आप जरूर मतलब करने से पहले कमेंट तो करना ही करना है आपको, वीडियो कैसे लगी वो भी बताना है, लगवाना है नहीं लगवाना है वो भी बताना है, कुछ राय लेनी है जब भी बताना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। बाकी तो वीडियो को लाइक फटाफट से कर दीजिए, दोस्त यार को शेयर कर दीजिए, अगर आपको लगवाना है और बुक अगर नहीं हो रहा है तो मेरी हेल्प भी आप ले सकते हैं। ठीक है गाइस, फिलहाल मिलते हैं, थैंक यू, टाटा बाय बाय।